मॉम्स किचन में आज मैंने बनाया है श्रीखंड, लेकिन मैंने इसमें दिया है आम का फ्लेवर, यानी हम इसे कहेंगे आम्रखंड। देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल यम्मी और बिल्कुल डिलीशियस। तो आज हम बनाना सीखेंगे आम्रखंड, तो देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उस बाउल के ऊपर हम एक छलनी रख देंगे। इस छलनी में हम एक सूती थोड़ा सा बारीक मलमल का कपड़ा यहाँ पर लगा देंगे। इस कपड़े को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया था। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 200 से 250 ग्राम के करीब दही लिया है। तो इस दही को हम इस छलनी के ऊपर जो कपड़ा रखा है उसके ऊपर हम इसमें इसको पलट देंगे। अब यहाँ पर मैंने सारा जो दही पलट दिया है, अब हम इसकी एक पोटली तैयार करेंगे। इसकी पोटली यहाँ पर मैंने बना ली है। अब हाथ से इस दही के पानी को हम ऐसे निकलने देंगे और थोड़ा सा हाथ से इसको स्क्वीज कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पोटली के ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा वेट, जिससे कि इसका पानी और अच्छे से निकल पाएगा। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर वेट रखने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर मैं रखूँगी ये इमाम दस्ता और इस तैयार सेटअप को हम 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से क्या होगा कि हमारा जो दही है वो इतने टाइम तक रखने के बाद भी खट्टा नहीं होगा। अब यहाँ पर अब 3 घंटे बाद मैंने ये 1 कप आम लिया है। इस 1 आम को मैंने बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर हमको थोड़ा मीठा आम भी यूज़ करना है। अब इस आम को हम ग्राइंड करके इसकी एक प्यूरी बना लेंगे, लेकिन पहले हम इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच। इसमें शक्कर का यूज़ करेंगे, चीनी डालेंगे 5 से 6 चम्मच। अब मैंने यहाँ पर ये चीनी डाल दी है। अब हम इस पूरे मिक्सचर को एक स्मूथ पेस्ट के जैसे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका एक पेस्ट बन गया है। अब तक हमारा दही भी तैयार हो चुका होगा। तो ये दही मैंने निकाल लिया है, चलनी बड़ी थी इसलिए मैंने चेंज कर दी थी। यहाँ पर ये छोटी चलनी मैंने यूज़ कर ली थी। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम श्रीखंड बनाने के लिए फिर से एक बाउल लेंगे यहाँ पर। अब मैंने वही से सेम बाउल लिया है। अब इसके बाद ये बाउल के ऊपर हम सेम कपड़ा, हम मैंने दही को इसमें से हटा लिया था, ये सेम कपड़ा हम फ्रिज में रखा हुआ था एज इट इज़ मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले से वॉश किया हुआ था। अब यहाँ पर हम इसको नीचे बाउल को पूरा कवर करके और ये जो नीचे कपड़ा बचा हुआ है हम इसको टाई कर लेंगे, यहाँ पर बांध लेंगे। एक नॉट बांधना है हमको यहाँ पर, इससे क्या होगा कि ये कपड़ा यहाँ पर टाइट हो जाएगा। यही तो सारा ट्रिक है इसमें, आपको ना ही मिक्सर का यूज़ करना है, ना ही विस्क का यूज़ करना है, आपको किसी तरह का फेटना करना कुछ नहीं है। बस आप ये सिंपल सी ट्रिक अपनाना और आप, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका इतना अच्छा श्रीखंड बन के तैयार होगा कि आप मुझे याद करोगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेटअप तैयार हो चुका है। अब मैं जो ये बाउल है इसको टिकाने के लिए यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ इसको रख रही हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके अपना जो दही का चक्का बना हुआ था वो यहाँ पर डालेंगे। अब इसको चम्मच की सहायता से हम धीरे धीरे से इसको इसमें से छान लेंगे। अब यहाँ पर ये छानने के बाद जो नीचे हमारा दही का जो पेस्ट हमको मिलेगा वो इतना मखमली और स्मूथ होगा कि आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको चीनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमने जब आम का जो पल्प बनाया था तो हमने उसमें चीनी का यूज़ किया था। अब इसी तरीके से आपको पूरा जो दही है वो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से कर लेना है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अब मेरा जो पूरा दही है वो यहाँ इस तरीके से मैंने इस कपड़े से छान लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो पूरा दही छानने के बाद मैंगो का पल्प जो मैंने बनाया था उसको भी हम इसी प्रोसेस में ऐसे ही छान लेंगे। अब मैंगो पल्प के साथ भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम इसको पहले ही मिक्सर में ग्राइंड कर चुके हैं, तो एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। लेकिन अगर इसमें थोड़े बहुत कुछ पार्टिकल्स बचे हों तो उसकी वजह से, ताकि हमारा जो
सेम क्वालिटी का पल्प और सेम क्वालिटी का स्मूथ सा एक पेस्ट हमको मिल सके हैं। आप यकीन मानिए, आप मेरी इस तरीके से अगर श्रीखंड बनाएंगे तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का जो स्मूथ सा पेस्ट है वो मैंने निकाल लिया है। अब इसको एक विस्क की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम सिंपल सा मिक्स करना है इसको। इसके बाद हमारा ये जो श्रीखंड तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी बादाम और काजू की जो कतरन है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप ऑप्शनली चाहें तो यूज़ करें। और यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हमारा ये जो आम्रखंड है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो दो बाउल लिए हैं इसमें मैं ये श्रीखंड डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। कई लोग क्या करते हैं कि जो आम और चीनी का मिक्सचर है उसको ड्राई करने के लिए पकाते हैं, लेकिन उससे हमारा श्रीखंड और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा क्योंकि हम उसका पानी तो पहले ही निकाल लेते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप ये तरीका यूज़ कीजिए। कुछ नहीं पकाना, कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल से तरीके से हमको इसको छानना है और मिक्स करना है और हमारा श्रीखंड तैयार हो गया है। अब आप इसका टेक्सचर देखिए, इसका अब गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी भी अब इसमें थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी बादाम की कतरन में यहाँ पर डाल देती हूँ। अब हमारा जो ये आम्रखंड है वो तैयार हो गया है। इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल का है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आसानी से बना सकें। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से सारी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जैसे मैंने उनको बिल्कुल आसानी से बनाया है। बाय बाय।